हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद ज्योति। आज हम बनाने वाले हैं राखी स्पेशल हेजलनट फरेरो रोशर चॉकलेट। ये बाजारों में भी मिलते हैं, बड़े काफ़ी महंगे होते हैं। तो आइए हम आपको घर पर ही बताते हैं कैसे बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमने यहाँ ले लिया है थोड़ी वाफल शेल्स। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ये। और ले लिया हमने नटेला। नटेला के साथ में हमने थोड़ा सा गनाश मिक्स कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चाहे तो खाली नटेला भी यूज़ कर सकते हैं। और ले लिया यहाँ पे हमने 2 mm डार्क चॉकलेट। ये मिल्क चॉकलेट के साथ काफ़ी यमी लगता है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट एक्चुअली हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो ये फ़िलहाल ठंडा है इसलिए टूट रहा नहीं है। और साथ ही में हमने ले लिया है यहाँ पे हेजलनट। इन्हें हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में हमने ले लिए हैं थोड़े चॉप किए हुए कैशिव नट। हमने इन्हें थोड़ा बड़ा चॉप किया है, आप इन्हें थोड़ा और छोटा छोटा चॉप कीजिए, क्रश कर लीजिए चाहे तो ये अच्छी तरह से चॉकलेट पर कोट हो जाएगा। इन्हें भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ हमने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब हम हमारा जो वैफल शेल्स हैं उसे निकाल रहे हैं प्लेट में। अब हमने हमारे जो कैशिव नट काजू जैसे चॉप किया था इसे हम हमारे चॉकलेट में डाल रहे हैं। इसे डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने हमारे वैफल शेल्स लेने हैं और इसमें हमने डालना है हमारा गनाश और नटेला का मिक्सचर। हमने इसे 3/4 बेलना है। इसे फिल करने के बाद हम इसमें हेजलनट लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऐसे ही सारे बना लेने हैं। हमारा लास्ट वाला भी रेडी हो गया है। तो अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये सेट होकर रेडी हो गए हैं। तो अब हमने इन्हें हमारे जो चॉकलेट और कैशू नट्स का मिक्सचर है उसमें हमने इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक फोक और स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे अच्छी तरह से कोट करने के लिए। इसी तरह से हमने सारे चॉकलेट्स भी कर लेने हैं। हमने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अब हमारे चॉकलेट्स अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो यहाँ हमने इसे थोड़ा सा चॉकलेट रैपर से रैप कर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब देख सकते हैं हमारा चॉकलेट कितना अच्छा दिख रहा है, ये काफ़ी यमी है और ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो मैं तो जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।